Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is 9 horrible mistakes in cash flow. वो कौन सी ऐसी 9 गलतियां हैं, भारी गलतियां हैं, बड़ी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं शायद अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर कर रहे हैं इन द एरिया ऑफ द कैश फ्लो. इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो जब उन चीजों की वजह से हम देखते हैं ना, इसका ह्यूज इम्पैक्ट है. नॉट ओनली सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट है, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट है. इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट आता है रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉइज, विद द वेंडर, विद द कस्टमर, विद द सप्लायर एंड विद एवरीवन. तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं जिससे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हमेशा मनी अवेलेबल नहीं रहती. तो बात करते हैं एक एक करके. सबसे पहली हॉरिबल मिस्टेक कैश फ्लो के एरिया में है फाइनेंशियल डिसिप्लिन. यस माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियल इन डिसिप्लिन क्या मतलब हुआ? हम ना क्या समझ रहे हैं कि जो रिस्क है और फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है, इन दोनों को ना सेम ही समझते हैं. ये सेम नहीं है. वो कोई बात नहीं, वो देखी जाएगी, कर लेंगे. अरे अब सैलरी पे करनी है ना, वो पे कर देंगे. अभी तो सप्लायर की पेमेंट करो, अभी तो 10 तारीख आने में 5-7 दिन है, हो जाएगी पे. भगवान अपने आप ही टेक केयर करवाएगा. इसको रिस्क लेना नहीं कहते, इसको फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन कहते हैं. हमें ना ऐसा लगता है कि बिजनेस करना यानी कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और रिस्क रिस्क के चक्कर के अंदर हमने फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन को भी रिस्क ही कहना शुरू कर दिया, और सब बातें भगवान के भरोसे डाल दी है. और जो कस्टमर से हमें कलेक्शन रिसीव होनी है, हम कहते हैं कि चलो भाई कलेक्शन तो कस्टमर से आ जाएंगी, और आज जो पेमेंट करनी है ये भी करना तो इम्पोर्टेंट है. तो जो आउटफ्लो जब होना है हमने तब कर दिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन के तरीके से मैनेज नहीं किया. क्या कहना चाहता हूँ, डिसिप्लिन का मतलब होता है सैलरी अगर हर महीने की 10 तारीख को पे होती है, या आपके केस में 7 तारीख को या 5 तारीख को, जो भी एक डेट डिसाइड है, उसको पे होनी है तो वो उसी डेट के ऊपर ही पे होनी है. और हमेशा सैलरी के बराबर 3 गुना, सैलरी के बराबर 3 गुना एक आप रिजर्व क्रिएट करके चलते हो, चाहे वो आपकी बैंक के अंदर 3 महीने के बराबर की FD है, और उसके अगेंस्ट में चाहे आपने OD यूज की है, नहीं यूज की, वो आपकी अपनी श्रद्धा, चाहे उतने की अनयूटिलाइज्ड फंड आपके पास अवेलेबल रहता है, कितना, 3 महीने के बराबर का. ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, ताकि हर महीने फिक्स्ड उस डेट के ऊपर अमाउंट पे होना शुरू हो. अब एवरी डे पेमेंट नहीं करते, पेमेंट करते हैं महीने में एक दिन या 15 दिनों में एक बार सप्लायर को, या फिर मंडे के मंडे पेमेंट करते हैं. ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है. सो दैट हर रोज चेक बन रहे हैं, हर रोज RTGS हो रही है, हर रोज वेरिफिकेशन हो रही है, वो इनडिसिप्लिन कहलाता है. ये इनडिसिप्लिन कहलाता है कि GST की कलेक्शन हमारे पास आई, और उस GST की कलेक्शन को भी हमने कुछ भी एक्सपेंडिचर करने के लिए इंकर कर दिया, और लेकिन जब बारी आती है 20 तारीख को GST जमा करवाने की, तब मनी अवेलेबल नहीं होती. ये सारी की सारी ना निशानियां हैं. TDS का लास्ट डेट के ऊपर जमा होना, एडवांस टैक्स का अचानक ही जमा होना, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट आई कि अजा ओ आज तो लास्ट डेट है, या किसी का व्हाट्सएप आ गया आज तो लास्ट डेट है एडवांस टैक्स जमा करवाने की, चलो करवाते हैं. ओहो पैसे तो है नहीं, अभी तो एक लमसम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी एस्टिमेटेड करवा दो, बाकी तो हम रिटर्न फाइल करने के टाइम पर देखेंगे. ये फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है मेरे दोस्तों, ये फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है. ये गलती हो रही है, भारी गलती हो रही है. फाइनेंस के एरिया में डिसिप्लिन के अलावा चलता ही नहीं. ये तो वही बात हो गया कि जंग के मैदान के अंदर आपने बहुत सारी फौज सेना इकट्ठी कर ली, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है. बस कर दो जी हमला, कर दो जी अटैक सामने वाले के ऊपर, ऐसा थोड़ी होगा. स्ट्रेटजी बनती है, प्लानिंग होती है. बिजनेस के अंदर एक एक चीज, जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाते हो, तो चाहे वो शार्प शूटर स्ट्रेटजी है, चाहे वो गोरिल्ला स्ट्रेटजी है सेल्स एंड मार्केटिंग की, चाहे वो ब्रांडिंग वाली स्ट्रेटजी है, तो चाहे वो प्राइसिंग वाली और पोजीशनिंग वाली स्ट्रेटजी है, तो एक स्ट्रेटजी चलना पड़ता है ना.
तो उसके अकॉर्डिंगली जब कैश जनरेट हो रहा है बिजनेस के अंदर, उसको हमने रिस्क की कैटेगरी में कैसे डाल दिया? फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन ना एक बहुत हॉरिबल मिस्टेक है जो जनरली मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के अंदर देखी जा रही है. नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, नो बिजनेस. यस. दूसरा क्या है? दूसरी भारी गलती है क्रेडिट सेल हम कर रहे हैं विदाउट क्रेडिबिलिटी चेक. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कस्टमर से हमें ऑर्डर मिल गया और हमारी पेमेंट टर्म्स हैं 30 डेज की, हमारी पेमेंट टर्म्स हैं 15 डेज की, हमारी पेमेंट टर्म्स हैं 60 डेज की, विच एवर जो आपने सोच रखा है कि हम इतने तक की उधारी मार्केट के अंदर दे देते हैं. बिल्कुल ब्रांड न्यू कस्टमर है, उसको आपने 30 डेज के ऊपर सेल कर दिया. अब जब वो 30वां दिन आया ना पेमेंट करने का, जब 30वां दिन पेमेंट करने का आया, उसने पेमेंट ही नहीं की. कहते करते हैं जी, एक दो दिन में करते हैं, एक दो दिन करते करते 15 दिन निकल गए. अच्छा अभी तो कोई मार्केट के अंदर मंदी चल रही है जी, पीछे से पेमेंट नहीं आ रही. तो यानी कि जब हम नया बिजनेस किसी कस्टमर के साथ में कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस है? नहीं है ना कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस. अब ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है? कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये होता है कि जब भी आपने किसी को उधारी सेल करनी है, तो सबसे पहले अपने डाटाबेस के अंदर आपने उसका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते हो. साथ में ना कुछ और चीजें भी लिखना शुरू करनी पड़ेगी हमें, भाई उसका जीएसटी नंबर क्या है. अब जीएसटी की साइट पे जाके उसकी हिस्ट्री देखो, क्या क्रेडिबिलिटी आ रही है उसकी. अब मार्केट में जब उस पर्सन से आप डील कर रहे हो जिसको आप सप्लाई करने के लिए जा रहे हो, तो उसके बारे में लिखो कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए. उसकी ना एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई इस पर्सन को क्रेडिट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं. सिर्फ सेल्समैन मार्केट में गए और उन्होंने कहा कि सेल करनी है और सेल दे दो, वो डीलर है कि डिस्ट्रीब्यूटर है कि एंड कस्टमर है कि B2B है, जिसको भी आप सेल कर रहे हो, क्रेडिट के ऊपर सेल कर रहे हो, क्रेडिट क्यों दे रहे हो, क्या इस क्वेश्चन को आंसर किया. कहां से आंसर निकल कर आएगा? वो जो आपकी कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, उसमें से आंसर निकल कर आएगा और उसकी क्रेडिबिलिटी चेक का एक पॉइंट होगा आपके मास्टर डेटाबेस के अंदर. क्रेडिबिलिटी चेक कहां कहां से कर सकते हैं? देखिए, अगर तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप एक बार के लिए उसका MCA की साइट से वेरीफाई करके देखो ना कि वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, एग्जिस्ट कब से कर रही है, क्या उसकी टर्नओवर वगैरह रही है, एक आइडिया लगेगा उससे आपको. दूसरा, उसकी अपनी फैक्ट्री है, अपने गोडाउन है, कितने टाइम से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है वो. और मार्केट में ना एक रेफरेंस चेक होता है, मार्केट में रेफरेंस चेक होता है. बड़ा आसान है, बिजनेस ओनर कम्युनिटी तो आपस में कनेक्टेड ही होती है, एक बार वहां चेक करके देखो. इसके अलावा जिस बैंक में उसका अकाउंट है, तो ये आपके अपने लिंक और कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एक बार आप वहां से भी वेरीफाई कर सकते हो. डिपेंड करता है कि आपके कितने रिलेशनशिप हैं बैंक्स के साथ में, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन या आइडियाज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं सामने वाले की क्रेडिबिलिटी के बारे में. इसके अलावा उन कंपनीज का ना, अगर वो लिस्टेड कंपनीज नहीं है, अदरवाइज कंपनियां हैं, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, तो आप जब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करते हो ना इस एरिया के अंदर, तो आपको पता लगता है कि उस सामने वाली पार्टी की क्रेडिबिलिटी क्या है. पता कब चेक होती है क्रेडिबिलिटी? जब हम ऑलरेडी भयंकर मिस्टेक कर चुके होते हैं. कौन सी मिस्टेक? सेल कर दिया, पैसे आ नहीं रहे, फिर हमें पता लगता है कि अच्छा हाँ यार, ये पहले देखना चाहिए था, पहले देखना चाहिए था. ये तो हो गया जो कि आप उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर क्रेडिबिलिटी चेक करते हो. उसके बाद ना एक होता है क्रेडिट लिमिट, यानी कि जब उसने आपने उससे बिजनेस ट्रांजेक्शन शुरू की, तो पहली बार में ही एक बहुत बड़ा ऑर्डर सप्लाई नहीं कर देना उसको. पहले उसको चाहे एडवांस लेके काम शुरू किया, उससे एडवांस के बाद धीरे धीरे उसकी पेमेंट टर्म बढ़ाई. अब पहले उसको छोटा अमाउंट सप्लाई करते हो, उसकी पेमेंट रेगुलर आती है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी क्रेडिट लिमिट उसके साथ बढ़ाते हो कि चलो ठीक है, आप बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं. इस तरह से आपको ओवरऑल एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके चलनी है बिजनेस के अंदर,
लेकिन क्या हो रहा है, टारगेट मीट करने के लिए कुछ भी कहीं भी कैसे भी अपनी पेमेंट टर्म्स के हिसाब से क्रेडिट सेल बिना क्रेडिबिलिटी चेक के कर सकते हैं। तो हमारा पैरामीटर होना चाहिए ना कि नई पार्टी है तो एडवांस में सेल करेंगे, अगर पहला ऑर्डर जाएगा तो इतने अमाउंट का जाएगा, अपनी खुद के साथ में जो डीलिंग हो रही है वहां से उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होनी शुरू होगी। क्या हमने LC पे सेल करना है, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर सेल करना है उसको, LC खोल के सेल करना है उसके अगेंस्ट में, या एक्सेप्शनल केसेस के अंदर उससे हमने पोस्ट डेटेड चेक लेके सेल करना है, नहीं ध्यान दे रहे। चलते हुए बिजनेस के अंदर सेल हो रही है जी, बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, जब बिजनेस ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है तब तो सबसे भयंकर भारी गलती ये होती है कि जहां मर्जी जिसको मर्जी सेल कर दिया, चलते हुए बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा होता है, और बाद में जब थोड़ा सा स्लो डाउन आता है तो यही कस्टमर का डेटर्स का बैलेंस ना एजिंग के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। मैंने बड़े बड़े बिजनेस को इस तरह से ये वाली गलती करते हुए देखा है। क्यों नहीं इसको अपने एक सिस्टम का ही पार्ट बना देते हो ना, सिस्टम का ही पार्ट बना देते हो कि जब भी किसी को क्रेडिट सेल हो रही है तो उसका क्रेडिबिलिटी चेकअप करोगे, क्रेडिबिलिटी स्कोर को ध्यान में रखोगे। अगर पुरानी पार्टी भी है और वो डिफॉल्ट कर रही है तो उसका क्रेडिबिलिटी स्कोर नीचे आ रहा है, क्रेडिबिलिटी स्कोर नीचे आ रहा है, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कम करनी शुरू करनी पड़ेगी आपको, और आपको अब फोकस करना पड़ेगा दूसरे कस्टमर के ऊपर जिसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। तो ये एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है क्या, अपने कस्टमर की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से अपने बिजनेस को बढ़ाना, ये बहुत बड़ा चेक है कैश फ्लो के अंदर। नहीं मानते, नहीं मानते, गलती कर रहे हैं, तो बन जाती है ना ये 9 हॉरिबल मिस्टेक में से सेकेंड मिस्टेक। क्या निकली सेकेंड मिस्टेक, क्रेडिट सेल कर देना विदाउट क्रेडिबिलिटी चेक, क्योंकि ये हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो तीसरी गलती क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस। ये तो एक ऐसी इनविजिबल गलती है, ऐसी इनविजिबल गलती है जो कैश फ्लो के ऊपर बहुत भारी पड़ती है। कैसे, रॉ मटेरियल खरीद लिया गया है, अच्छा आपने सामने वाली पार्टी से 10% 20% यानी कि 50% तक का एडवांस भी पकड़ लिया है। आप कहते हो हम तो एडवांस लेते हैं जी, सामने वाली पार्टी से एडवांस भी ले लिया है, अब उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, रॉ मटेरियल भी खरीद लिया। अब आपकी कंपनी के अंदर ना काम खत्म ही नहीं हो रहा, काम चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। अगर आप गुड्स में डील करते हो तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते बनाते इतना समय लगा दिया, इतना समय लगा दिया कि आपके महीने के खर्चे तो फिक्स हैं, हर महीने सैलरी जानी, हर महीने रेंट जाना है, हर महीने बैंकों का इंटरेस्ट पे हो जाएगा, हर महीने रेगुलर एडमिन के खर्चे तो चलते चले जा रहे हैं। तो जितना डिले हम अपने काम को एग्जीक्यूट करने में करते हैं ना, चाहे आप बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर हो तो प्रॉब्लम आएगी, आप प्रोजेक्ट का काम करते हो तो दिक्कत आएगी, आप मशीनरी मशीन कॉन्फ़िगरेशन करते हो, प्लांट एंड मशीनरी बनाते हो, कैपिटल गुड्स पे डील करते हो, जितना डिले करोगे, आप लिफ्ट लगाते हो उसके अंदर जितनी डिले होगी, आप फर्नीचर का काम करते हो, आप फर्नीचर का ऑर्डर मिल गया, आप फर्नीचर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, अच्छा सप्लाई करने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस बनते बनते फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेकिन सामने वाली पार्टी अभी माल उठा नहीं रही क्योंकि उसके बिल्डर ने उसका फ्लैट या उसकी बिल्डिंग डिले कर दी है। अल्टीमेटली पड़ा तो आपके वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ही हुआ है। अच्छा आप सर्विस प्रोवाइडर हो और आपने एडवांस भी ले लिया है और काम करना है, आर्किटेक्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ITR फाइल करनी है कि नक्शा देना है कि क्या बनाना है, लेकिन डिले डिले वर्क इन प्रोग्रेस है, हाँ जी काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई टाइमलाइन नहीं है वर्क इन प्रोग्रेस की। टाइमलाइन इज की टू सक्सेस इन कैश फ्लो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, टाइमलाइन इज की टू सक्सेस। बिजनेस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सामने से ऑर्डर ले आए। मैंने देखा है सारे के सारे सेल्स वाले, सेल्स की टीम वाले बिजनेस ऑर्डर पता नहीं क्यों पूरा ध्यान रहता है कि कितने का ऑर्डर आप ले आए हो और कितने का एडवांस पकड़ लिया, कितने का ऑर्डर आ गया, बस उस पाइपलाइन को भरते चले जाते हो। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि जो ऑर्डर आ गया है आपके पास वो वर्क इन प्रोग्रेस में जब तक रहेगा ना, और आपके गोदामों में माल भरता रहेगा और आपके यहीं पर रहेगा, सामने बिलिंग और इनवाइजिंग नहीं होगी टाइमली, कैश फ्लो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, और मनी कभी अवेलेबल ही नहीं रहती। और हम मन को तसल्लियां देते रहते हैं,
कोई बात नहीं, बस ये काम एग्जीक्यूट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इसको करते सारे हम करेंगे। क्या करना है, कंट्रोल क्या है इसके ऊपर? कंट्रोल है आपको ना इसके ऊपर थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से कंस्ट्रेंट ढूंढना है। वो ऐसा कौन सा बिगेस्ट बोटल नेक मेरी कंपनी के अंदर बन गया है जिसकी वजह से मैं इनवॉइसिंग, डिस्पैच और बिलिंग नहीं कर पा रहा। एक बोटलनेक ही हो सकता है कि सामने से क्लैरिटी नहीं आ रही, क्लैरिटी क्लैरिटी नहीं आ रही क्योंकि आपने ना FMS फ्लो मॉनिटरिंग शीट नहीं बना रखी कि ऑर्डर टू कैश, ऑर्डर आने से लेके कैश होने तक के बीच में जितने भी स्टेप है ना वो रिटर्न में, लिखित में आपकी कंपनी में होने चाहिए। और जहां 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 पर वो चीज रुक रही है उस बोटलनेक को फुल 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 कॉन्फिडेंस के साथ में, फुल प्रोसेस के साथ में पूरा फोकस करते हुए वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश में, फिनिश को डिस्पैच में कन्वर्ट करना है। ये एरिया ना अपना एक बार ठीक कर लो, इसके अंदर ना एकदम स्मूदनेस लेकर आ जाओ, बिल्कुल ऐसे ऐसे मक्खन में से बाल निकलता है ना वैसे वाला सिस्टम करो। छोटा बिजनेस कर लो, थोड़ा बिजनेस कर लो, वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू बड़ा बिजनेस करते हो, ऑर्डर पकड़ते रहते हो, परेशान रहते हो, क्योस मचा रहता है सारा का सारा, और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी छोटे बिजनेस से भी कम आती है। उसके अंदर तो लॉस हो रहा है क्योस की वजह से, वर्क इन प्रोग्रेस की वजह से लॉस हो रहा है बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि तीन तीन पांच पांच सैलरियां लग जाती हैं एक ही प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। जबकि अगर आप स्मूदनेस क्रिएट करते हुए फिर ग्रो करोगे ना, फिर ग्रो करोगे तो कैश फ्लो की दिक्कत आने वाली है ही नहीं है। तो बात क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस के एरिया को ना एक बार अच्छे से पकड़ लो, टाइम लाइन के अंदर डिफाइन कर लो, टाइमिंग को वीकली MIS के अंदर देखो, टाइमिंग को मंथली रिव्यू के अंदर देखो, टाइमिंग के लिए अकाउंटेबल पर्सन बना दो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो प्रोडक्शन इंचार्ज है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, जो भी है वर्क इन प्रोग्रेस फुल किटिंग के हिसाब से एक बार स्मूथली निकलना है। ये कैश फ्लो का बड़ा भारी दुश्मन है कौन, वर्क इन प्रोग्रेस। मनी और मटेरियल जब स्टक हो गए ना वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर तो कैश फ्लो का चक्का जाम। तो क्या है चौथी मिस्टेक, बैंक लोन का ट्रैप। बैंक लोन ना एक ऐसा ल्यूक्रेटिव ट्रैप है जो हमें छोड़ता ही नहीं। कैसे, ऐसा लगता है कि यार बैंक का लोन तो बहुत ही सस्ता है, ये बैंक की ODCC लिमिट होती कितने रेट पे है, 9% 8% 7% पर एनम, यानी कि 1% से भी कम रेट के ऊपर हमें बैंकों से पैसा मिल जाता है। जबकि देखा जाए अगर किसी हम वैसे लोन लेने के लिए जाएं तो 1% पर मंथ या 1.5% पर मंथ के ऊपर मार्केट से हमें लोन मिलता है। अच्छा, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ही इतना है, 35-35% पर एनम के हिसाब से हम बिजनेस के अंदर ROI कमा लेते हैं, यानी कि 3% की हमारी ROI है, जबकि बैंक का लोन क्या पड़ता है, 1% से भी कम पड़ता है। ये एक ऐसा मिथ हमारे दिमाग में चला गया है जिसकी वजह से हम कहते हैं सस्ता लोन है, लोन ले लो। अब सामने वाले कस्टमर से पेमेंट नहीं आई है, चलो कोई बात नहीं, बैंक से CC लिमिट ले लो, चलो बैंक से OD लिमिट ले लो, चलो बैंक से टर्म लोन ले लो, चलो एक काम करो और पैसे आने दो। तो ये ट्रैप के चक्कर में पैसे बढ़ते चले जाते हैं। अरे भाई, आपके जस्टिफाइड जो पैसे थे वो तो वर्क इन प्रोग्रेस में फंसे हुए हैं, आपके जस्टिफाइड जो पैसे थे वो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन होने की वजह से कि अनाप शनाप आपने इधर उधर पैसे खर्च दिए, यहाँ से पैसे आए, आपने अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, अब प्लॉट में पैसा लगा दिया, उस पर तो कोई ब्याज आ नहीं रहा, प्लॉट में लगा हुआ है पैसा, और उधर से बैंकों के लोन का पैसा वहां पर फंस गया। अच्छा, कोई फॉरेन ट्रिप मार आए कंपनी की वर्किंग कैपिटल में से जाकर, लेकिन उसके पैसे का इस्तेमाल जो कि बिजनेस के लिए प्रोडक्टिव हो सकता था, लैंड के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब काम करने के लिए पैसा बचा ही नहीं है, क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, और कोई नहीं सस्ता लोन है। अरे ये सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा लोन पड़ता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये लोन ना एक तरह से आपकी बैलेंस शीट में अपना परमानेंट किराएदार की तरह घर बना के बैठ जाता है, और वो पैसे लेता है आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, जो है ना आपके बैंक में हर महीने 30 तारीख को या 1 तारीख को इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है। अब वो जाना ही जाना है, अगर EMI है तो फिक्स डेट को चली जाती है, उतना कैश फ्लो तो वहां से निकल ही जाता है। अच्छा, आपने लिया था सोच के कि बहुत सस्ता है, लेकिन कोरस्पोंडिंगली बिजनेस की ट्यूनिंग बैठ नहीं रही है,
डिजिटल बैटरी है, और यहाँ से फिक्स आउटफ्लो आपका होना शुरू हो गया है और ट्रैप की शुरुआत हो गई है। फिर एक लोन के बाद दूसरे लोन, फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे शराब पीने वाले लोग क्या कहते हैं, कहते हैं यार जब मैं बड़ा गम में होता हूँ ना तो पी लेता हूँ तो गम गलत हो जाता है, जस्टिफिकेशन। जब मैं बड़ा खुश होता हूँ तो मैं पी लेता हूँ, जस्टिफिकेशन। कुछ तो ये भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि जब पी लेता हूँ तो उसके बाद क्या होता है कि पेट के कीड़े मरते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया, एक गिलास में शराब ली, एक में पानी लिया, एक कीड़ा पहले उसने पानी में डाला, कीड़ा तैर के बाहर आ गया, एक कीड़ा उसने शराब में डाला, वो कीड़ा मर गया। उसने कहा पेट के जितने भी कीड़े हैं ना शराब पीने से मर जाते हैं, कोरोना में पता लग ही गया होगा आपको। ये भी जस्टिफिकेशन दे दी। अब पीने वालों ने तो पीने की जस्टिफिकेशन दे देनी है, लेकिन पीने के पीछे कारण क्या होता है, यारों दोस्तों का माहौल है, हाँ जी, और जो भी है यारों दोस्तों का माहौल है, शाम है, सरूर है, सब भूल जाते हैं क्या बातें हो रही है, टेम्पररीली दिमाग में से सारी टेंशन निकल जाती है, मन को हल्का हल्का महसूस होता है, हमारे न्यूरो पैटर्न के अंदर ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं और शाम होती है और पी पा के कर लेते हैं सारा को सारा काम। अब उस पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए जो हमने वो वाली मोक्ष की अवस्था प्राप्त करनी होती है, उसको हासिल करने के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन दे देंगे। उसी तरीके से बैंक लोन भी शराब की तरह ही होता है कि उसको तो जस्टिफाई कर देंगे भाई, हर सक्सेसफुल बिजनेस को तो लोन लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है जी, लेना ही पड़ता है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसने लोन नहीं लिया? अरे डीप डाइव करके देखो कि उसने फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन में लोन लिया है कि उसने ग्रोथ के समय पर उसके एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, उन एसेट को क्रिएट करने के लिए वो टर्म लोन लिया था और टर्म लोन की जो ईएमआई है ना उससे 3 गुना ज्यादा का कैश फ्लो उसके पास अवेलेबल है। बात करते हैं हम अडानी की, बात करते हैं अंबानी की, बात करते हैं टाटा की, बात करते हैं हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जाम्पल देके अपने लोन को जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन उनके पास तो एक इनफ्लो का फिक्स सोर्स अवेलेबल है ना, उस फिक्स फ्लैगशिप ब्रांड में से, हाँ जी रिलायंस का जो फ्लैगशिप है वहां से जो पैसे आ रहे हैं उसको मालूम है यहां से मेरी सब किस्तें निकल जानी है, फिर मैंने रीस्ट्रक्चर कर लेना है उसको, ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दे लोन पे लोन, दे लोन पे लोन, वो नहीं करना, नहीं करना, ये बहुत भारी मिस्टेक है। बिजनेस मॉडल बनेगा पहले आपका, बिजनेस मॉडल बना लो, बिजनेस मॉडल के हिसाब से, जैसे आर्किटेक्ट नक्शा नहीं बनाता किसी घर का, आर्किटेक्ट घर का प्लांट का चाहे कल पहले नक्शा बनाएगा, नक्शे के साथ देखेगा यहाँ बाथरूम होगा और यहाँ पर इसके कमरे होंगे, यहाँ पर इतनी वेंटिलेशन की जगह होगी, यहाँ पर शाफ्ट लगी होगी, यहाँ पर पिलर लगे होंगे, तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज की रिक्वायरमेंट है तो निकल के आती है रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास बैंक लोन की क्या रिक्वायरमेंट है, अरे कस्टमर पैसे दे नहीं रहे, हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है लैब ले लो, हमारे पास कस्टमर पैसे दे नहीं रहे, स्टॉक में माल इन्वेस्टेड है, वर्किंग प्रोग्रेस होता चला जा रहा है, लास्ट मोमेंट पे जीएसटी एडवांस टैक्स जमा कराना है, चलो कोई बात नहीं, यहां वहां से पकड़ो लोन और जमा करा दो। बैंक लोन ना एक ट्रैप है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रोटोमैक खत्म ही हो गया, लिखते लिखते लग हो जाए, रोटोमैक पेन था ना, एक पेन रोटोमैक चल निकल, रिनोल्ड चल खत्म, अच्छा किंगफिशर चल खत्म, और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई वो लोन के ऐसे ट्रैप के अंदर फंसी कि चल खत्म। तो यहां पर ना हमें उस प्रेशर से बाहर निकलना है, ये 9 horrible mistake में से चौथी मिस्टेक है। पहली क्या थी, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। दूसरी क्या है, क्रेडिट सेल कर देते हैं बिना क्रेडिबिलिटी चेक किए। तीसरी क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर पैसा फंस गया है। चौथी क्या है, बैंक लोन का ट्रैप। पांचवी क्या है, पांचवी है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ना बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। कहते हैं यार वैसे तो मैं साड़ियां खरीदता हूं तो उसका रेट इतना आ रहा है, लेकिन अगर मैं कैश डिस्काउंट पे साड़ियां परचेज कर लूंगा तो 4% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना, 4% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर बैंक से लोन लिया है तो 1% का लोन देता हूँ, 1% का इंटरेस्ट देता हूँ, मुझे परचेज के ऊपर 4% मिल जाएगा। 1% देना, 4% लेना, 1% देना, 4% लेना, वाह मजा आ गया। कैश डिस्काउंट लूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कैश डिस्काउंट लूंगा तो तभी बिजनेस चल पाएगा। यहां वहां से पैसे अरेंज करो, चाइना से इंपोर्ट करो, कंटेनर के कंटेनर एडवांस वहां पर जमा कराओ, महीना महीना पहले, बहुत सस्ता मारा जाएगा।
ये ना बड़ा ही लिबरेटिव लगता है और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देता है कि वाह यार, मार्केट में ये चीज जितने की बिक रही है, मैं तो उससे बहुत बढ़िया कैश डिस्काउंट लेके बैठा हुआ हूँ। इस चक्रव्यूह के अंदर ना बहुत सारे बिजनेसमैन फंस गए हैं। सामने से खुशबू आई, हिरण चल गया वहां पे और फंस गया। सामने से शेर ने देखा बकरी बंधी हुई है, कहां पे बकरी खाने चला गया, फंस गया। शिकारी ने मार दिया तीर। कैश डिस्काउंट ना एक चारा है आपके बिजनेस के अंदर फंसने का। आपको ऑप्शन मिले ना कि मुझे कैश डिस्काउंट दे के माल खरीदना है या 60 दिन की उधारी पे माल खरीदना है, तो 60 दिन की उधारी पे माल खरीद के ना अपनी सेल की प्राइसिंग पॉलिसी पे काम करो, अपनी सेल के अंदर यूएसपी डालो, अपनी सेल के अंदर कुछ इस तरह से वैल्यू एडिशन करो कि सामने वाले को 10x वैल्यू मिले और आप कमाल कर दो। ये क्या बात हुई, सस्ता कैश डिस्काउंट पे माल खरीद के और उधारी पे बेच देना, ये कोई बिजनेस थोड़ी है, ये तो फाइनेंसिंग का काम है, ये ट्रैप है। ग्रीड ऑफ कैश डिस्काउंट ना क्या करती है, ग्रीड ऑफ कैश डिस्काउंट हमें परचेज करने के लिए ना अंदर से सिग्नल देती है। हम फटाफट से मोटा कैश डिस्काउंट हासिल करते हुए अपने सारे के सारे कैश फ्लो को ड्रेन आउट कर देते हैं, बिजनेस में से ना पैसा ही खत्म हो जाता है। तो मैं इसको बोलता हूं बिजनेस में से कैश फ्लो को फ्लश आउट करने का सबसे खतरनाक जो बटन है उसका नाम है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो हम लेते हैं ना वो हमेशा स्ट्रेटजिकली लेना चाहिए, जब हमारे पास सफिशियंट अप्रोप्रिएट मनी अवेलेबल है, कभी कभी लेना चाहिए, रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर लेना चाहिए। कैश डिस्काउंट कभी भी हमारी मेन पॉलिसी नहीं हो सकती। अब आप कहोगे क्या बात करते हो जगह, जब हम कपड़े के बिजनेस में डील कर रहे हैं, यान में डील कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट में नहीं लेंगे तो बात ही नहीं बनेगी। जब हम आटा दाल गेहूं चावल जैसी चीजों को बना रहे हैं, कैश डिस्काउंट में नहीं लेंगे तो बात ही नहीं बनेगी यार, हमारा तो बिजनेस ही लॉस के अंदर आ जाएगा। वैसे हमारा 7% का जीपी मार्जिन है जिसमें से 4% तो कैश डिस्काउंट है, अगर 4% का कैश डिस्काउंट नहीं लेंगे तो 7% जीपी थोड़ी रहेगा, जीपी रह जाएगा 3%। मैं कहता हूं 3% जीपी अगर आपका रह गया है ना, वैसे तो 7% भी बहुत कम था, 3% रह गया अगर आपका जीपी, तो क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत भारी रिस्क है, बहुत भारी रिस्क है। ये एकदम छोटा मोटा बहुत ही स्मॉल प्रोप्राइटरी टाइप बिजनेस करना बंद करो, उस सोच को बंद करो। ये पकड़ो किताब जिसका नाम है ई मिथ, इसका नाम है ई मिथ, ये पकड़ो किताब ई मिथ और ये छोटी मोटी सोच से ना बाहर आ जाओ, छोटी मोटी सोच से बाहर आ जाओ। इसको पढ़ो, आपको लगेगा मेरी जिंदगी इसके अंदर पूरी की पूरी आ गई। इसको पढ़ो, सोचो और बिजनेस को ना बिजनेस की तरीके से करो। बिजनेस को हमेशा एक बड़ी कंपनी की तरह ही डिजाइन करो, बड़ी कंपनी की तरह डिजाइन करो। चलो अभी आप सिंगल प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, 4-5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, कितने बंदे हैं मुझे नहीं पता। आप ऑलरेडी बड़ी हो तो इसको पढ़ लो और उसको रिफर्म कर लो, अगर ऑलरेडी बड़े हो तो। अगर छोटे हो तो हर जगह पे अपनी फोटो चिपकाओ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर एमडी भी आप है तो सेल्स एंड मार्केटिंग भी आप है तो ऑपरेशन भी आप है तो एचआर एडमिन भी आप है तो फाइनेंस एंड अकाउंट भी आप हैं, तो नीचे उसकी टीम है, हर जगह फोटो चिपकाओ। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है वैसे वैसे आप पर्सन टेक्निकल उसके अंदर एंटर करते चले जाओ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के द्वारा, बड़ी सोच के द्वारा। ये देखो बिजनेस मॉडल क्या कहता है, क्या वैल्यू ऐड कर रहा है सामने वाली जिंदगी के अंदर। अरे भैया सामने वाले की जिंदगी में हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके बेसिस पे बिजनेस करेंगे कि कैश डिस्काउंट के ऊपर कोरे लालच के अंदर काम करेंगे। अरे भाई मुझे तो पता लग गया जी, भाई कैश डिस्काउंट पे माल खरीदो, एडवांस देके और बेच दो, भैया बहुत पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा। कोई पैसा नहीं बनेगा, ये हॉरिबल मिस्टेक है, ये फंस जाओगे स्टॉक के चक्कर के अंदर। अगर कोई सेल्स रिटर्न आ गया तो खत्म, स्टॉक पड़ा रह गया तो खत्म, कस्टमर के साथ में कोई डीलिंग के अंदर खराबी हो गई तो खत्म, क्वालिटी इश्यू आ गया तो खत्म, अगर आपने बनाते बनाते चीजों को डिले कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस में रह गया तो खत्म। कैश डिस्काउंट ने पहले ही पूरा का पूरा ड्रेन आउट कर दिया है कैश फ्लो को, बचा कुछ नहीं है। फिर इस बचा कुछ नहीं है तो कहां से पूरा होगा, बैंक लोन से पूरा होगा। ये सारी गलतियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। तो मान लो मेरी बात, कैश डिस्काउंट को रेगुलर फीचर मत बनाओ अपने बिजनेस का, इसको स्ट्रेटजिकली यूज किया करो, स्ट्रेटजिकली मास्टर कर लो साइंस की कि कैसे हमने कैश डिस्काउंट को इस्तेमाल करना। मना थोड़ी कर रहा हूं मैं,
मना थोड़ी कर रहा हूं, कैश डिस्काउंट मत लिया करो। कौन कह रहा है मैं मना कर रहा हूं? मना नहीं कर रहा हूं। मास्टर करो साइंस को, स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया करो। पैसा बिजनेस में रहना चाहिए, क्रेडिट पे परचेज करनी चाहिए और नीड बेसिस के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट को इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहना चाहता हूं। क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? ई मिथ। हाँ बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, ई मिथ। ओवरऑल स्ट्रेटेजाइज करने के लिए पुनीत जी, यस। हाउ वी कैन रिलेट विद द सर्विस इंडस्ट्री? सर्विस के अंदर भी मैंने कहा ना कि डिले कर दिया हमने अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, छठी मिस्टेक क्या है? हैवी फिक्स्ड कॉस्ट। सब कुछ इन हाउस चाहिए? नहीं, ट्रैवल लाइट लर्न करना सीखो, लर्न टू ट्रैवल लाइट। सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर सबसे पहले आप मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लो फुल टाइम, पूरी की पूरी मार्केटिंग टीम खड़ी करने की जगह। आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो मार्केटिंग एजेंसी है, सक्सेस बेसिस के ऊपर उनके साथ में एग्रीमेंट करना शुरू करो। खुद का पहली बार में इतना बड़ा प्लांट लगाने की जगह छोटा बढ़िया प्लांट लगा के उसके बाद ओईएम की तरह के प्लांट के सप्लायर अपने साथ में जोड़ना शुरू करो। बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट, जो बड़े बड़े इम्प्लॉई महंगे महंगे हायर अभी कंपनी में शुरू में करने की जगह कंसल्टेंट के साथ में शुरुआत किया करो, सक्सेस रेट बेसिस के ऊपर। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्यों बढ़ा लेते हो? फिक्स्ड कॉस्ट ये हर स्टेट के अंदर आपने एक ऑफिस ले लिया किराए पर, उसका रेंट शुरू हो गया है, उसके बाद वहां पर पूरी की पूरी टीमें भी बिठा दी, उनकी सैलरी भी शुरू हो गई है, अभी सेल्स का आता पता नहीं है। क्यों खेलते हो? क्यों नहीं करते ट्रैवल लाइट? बिजनेस का असूल है ऑलवेज बिल्ड ए मॉडल ट्रैवल लाइट करके, छोटे स्केल के ऊपर, हमेशा छोटे स्केल के ऊपर उस मॉडल को पहले मार्केट में टेस्ट कर दो, उसके बाद स्केलेबिलिटी का सिस्टम शुरू कर दो, स्केलेबिलिटी का। चलो इसके लिए भी मैं बुक रेफर कर देता हूँ, उसके लिए एक बुक का नाम है स्केलिंग अप। क्या अमेजिंग बुक है, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। तो आपको पता लगेगा कि ये हैवी फिक्स्ड कॉस्ट रेज करने की जगह भी, अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हो या अगर आपको बुक पूरी नहीं पढ़नी तो वहां चले जाते हो ना, आप बुक की ऑडियो समरी सीख लेते हो जिसका नाम है स्केलिंग अप। कितनी अमेजिंग किताब है ना ये वाली स्केलिंग अप, यस दिस वन, कितनी प्यारी किताब है। आप पढ़ो इसको या इसकी ऑडियो बुक सुनो, स्केलिंग अप, हाउ ए फ्यू कंपनीज मेक इट एंड व्हाई द रेस्ट डोंट मेक इट। ये बड़ी प्यारी किताब है स्केलिंग अप। पढ़ लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये ना मैं ना बहुत भारी भारी गलतियां कर रहा था। बिल्कुल सुपर डुपर बुक है, आपने पुनीत जी सेट बोला, एकदम कमाल की किताब है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब ना जो आप जूझ रहे हो वहीं से ही मिल जाने हैं स्केलिंग अप वाली किताब को पढ़ के। तो आपने क्या करना है, पढ़ लो, सुन लो ऑडियो बुक के अंदर 15 मिनट की, यूट्यूब की समरी सुन लो, उसके बाद फिर पढ़ लेना। तो छठी मिस्टेक क्या है, हैवी फिक्स्ड कॉस्ट कर रहे हैं और ग्रीड ऑफ एक्सपेंशन। लालच है, हॉरिबल मिस्टेक कर देते हैं कि बस कैसे भी करके ना अपनी इंटरनल फीलिंग के बेसिस के ऊपर, बिजनेस मॉडल के बेस पे नहीं, कि मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस मॉडल ना चल जाएगा और बस अब खोल दो, अब बना दो, अब बड़ा कर दो, बड़ा है तो बेहतर है। ये एक्सपेंशन की ग्रीड जो है ना ये रोकती नहीं है। तो मार्केट में पूरी तरह से वो प्रोडक्ट टेस्ट नहीं हुआ। लेंसकार्ट का चश्मा पहले टेस्ट हो गया फिर स्केल अप हुआ था, लेंसकार्ट का पीयूष बंसल जी द्वारा। सॉरी तो गलती क्या है, ग्रीड करना, एक्सपेंशन की ग्रीड नहीं करना है, इंटरनल फीलिंग नहीं करना। अभी मैंने आपको बुक भी बता दी है स्केलिंग अप, उसके हिसाब से कुछ प्रिंसिपल है वहां इस्तेमाल करने के बाद आपने एक्सपेंड करना है। आठवीं मिस्टेक क्या है, ओनली अकाउंटिंग। कैश फ्लो के एरिया में क्या हो रहा है, ओनली अकाउंटिंग हो रही है, फाइनेंस की बात ही नहीं हो रही है। अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग बस सेल कर लो, परचेज कर लो, एक्सपेंस कर लो, बैंक रिकनसाइल कर लो, जीएसटी कर लो, एमसीए की रिटर्न फाइल कर लो, फाइनेंशियल प्लानिंग कंट्रोल और मैनेजमेंट मिसिंग है कि आने वाले एक महीने के अंदर मुझे कितने पैसे देने होंगे, 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, ये जो 20 लाख रुपए देने होंगे किस किस हेड में देने होंगे,
क्राइटर्स को इतने देने हैं, मशीनरी परचेज के इतने देने हैं, सैलरी के इतने देने हैं, अगले एक महीने में ये पैसे देने हैं। अब ये जो पैसे देने अगले एक महीने में ये आएंगे कहाँ से? अच्छा, इतने तो मेरे पास पड़े हुए हैं, इतने मेरे कलेक्शन में कस्टमर से होने की संभावना है, और इतना मेरे पास एक बैकअप है। तो यहाँ से फाइनेंशियल क्लोजर हो गया, अगले एक महीने का फाइनेंशियल क्लोजर हो गया ना। अब मस्ती करो, पूरी मस्ती करो, अपना पूरा फोकस करो सेल के ऊपर। तो अब क्या हो गया, ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है, तो कंट्रोल होगा इसके ऊपर। किसका? फाइनेंशियल कंट्रोलर का कंट्रोल होगा इसके ऊपर कि जो भी परचेज की जाएगी पीओ के बेसिस पर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एडहॉक बेसिस के ऊपर आपने सोचा कि चलो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, पैसे निकाल दिए, वहां पे कंट्रोल रहेगा पूरा। और मनी की मैनेजमेंट रहेगी। रिलायंस कंपनी की तीन फैक्ट्रियां पुराने जमाने में होती थी, एक जो कि पेट्रोलियम बनाती थी, एक जो कि टेक्सटाइल बनाती थी, एक जो कि फाइनेंस को मैनेज करती थी। तीनों बराबर का प्रॉफिट जनरेट करते थे। जो फाइनेंस को मैनेज करती थी वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही उतना पैसा कमा जाती थी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मिसिंग है। अगर पूरी तरह से नहीं है ना कंपनी के अंदर, तो पकड़ लो ये आठवीं हॉरिबल मिस्टेक है। तो नाइन्थ मिस्टेक कौन सी है? नाइन्थ मिस्टेक पता क्या है? कैश रिजर्व मिसिंग है। कैश रिजर्व तो एक ही तरीके से बनेगा, जब भी कलेक्शन आई उसका 1% 0.5% 5% कर दो एक बार ट्रांसफर, साइड पे कर दो, बिलीव करो। आपका रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बिजनेस एक्सपेंशन के अंदर जा रहा हूं, और जाने क्या क्या मन में अवधारणाएं बीती हुई हैं। बिजनेस करते जाओ, प्रॉफिट के एक हिस्से को कैश रिजर्व के रूप में करते जाओ, ये एकमात्र तरीका है बिजनेस को रेज करने का। जैसे पुराने जमाने में तिजोरी सिस्टम हुआ करता था ना, कि जो सप्लायर की कस्टमर से पेमेंट आई उसमें प्रॉफिट का हिस्सा माँ लक्ष्मी के पीछे, नॉर्मल आगे, नॉर्मल से और पेमेंटें करते रहे, प्रॉफिट को बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर सकते हो या बाहर कर सकते हो। अगर बिजनेस आपका बहुत अच्छा दे रहा है लाभ, तो बिजनेस में री इन्वेस्ट करो, नहीं तो बाहर इन्वेस्ट करो। भाई कंपनी में से सैलरी रेंट इंटरेस्ट तो ले ही रहे हो ना, तो कैश रिजर्व मिसिंग है, ये एक बहुत भारी मिस्टेक है। तो हमने क्या बातें की नो मिस्टेक्स के अंदर, अब क्विकली एक बार रीकैप कर लेते हैं। 9 मिस्टेक में से पहली है फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, दूसरी है क्रेडिट सेल करना बिना क्रेडिबिलिटी चेक किए, तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ही सारी की सारी मनी और मटेरियल स्टक अप हो गया है, टाइम लाइन के हिसाब से डिलीवर नहीं कर रहे, बैंक लोन के ट्रैप में फंस रहे हैं, कैश डिस्काउंट के जंजाल को हमने बढ़ावा दे रखा है, हैवी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में बिजनेस रन करना, ग्रीड एक्सपेंशन की, स्केलिंग अप के प्रिंसिपल का इस्तेमाल न करते हुए ग्रीड ऑफ एक्सपेंशन के साथ में पैसे को फंसा देना बिजनेस के अंदर, आठवीं क्या है, मात्र अकाउंटिंग करना लेकिन फाइनेंस मैनेज ना करना, और कैश रिजर्व ना क्रिएट करना। तो माय डियर फ्रेंड, ये 9 मिस्टेक्स हैं जो बिजनेस के अंदर हैं। तो आपको मालूम है ना, jsaonline.in www.jsaonline.in कैश फ्लो की मास्टरी के लिए, प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करने के लिए क्या करना है, www.jsaonline.in। यहाँ पर ना आप अपने कैश फ्लो को कर लो मास्टर। इसमें प्रोग्राम पूरा का पूरा है कैश फ्लो को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे। हाउ वाज द सेशन फॉर यू? आज 5 AM जो मेरे साथ लाइव है, बताइए जी कैसा रहा सेशन आपके लिए? आज कोई नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ? आज कुछ वैल्यू एडिशन महसूस हुआ? आज कुछ सोचने के लिए एक समय मिला क्या? कुछ अपनी गलतियां या कुछ आगे की प्लानिंग या अपॉर्चुनिटी नजर आई? कैसा रहा आज का सेशन आप सबके लिए, जरा चैट बॉक्स से बताइए। तो राहुल अग्रवाल जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, गुड मॉर्निंग, इज डेप्ट रीपेमेंट आल्सो पार्ट ऑफ कैश रिजर्व? बिल्कुल सही राहुल जी, बिल्कुल सही। जो डेप्ट खड़ा हो गया है ना, और कैश रिजर्व से आपने डेप्ट को खत्म करते चले जा रहे हो, तो वो कैश रिजर्व कहलाएगा। बहुत बढ़िया पकड़ा आपने, यस। तो लॉट्स ऑफ लर्निंग टूडे डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, थैंक यू।
ओमेशी एक्सीलेंट स्ट्रॉन्ग बेसिक्स टू फॉलो। ओ यस, सचिन तेंदुलकर ने कहा ना कि क्रिकेट के अंदर 10,000 से ज्यादा रन बनाने का तो एक ही फार्मूला था, मैं तो बेसिक्स को फॉलो करता गया, हर गेंद को मैंने वैसे ही खेला जैसे कि उस गेंद को खेलना चाहिए था, ऑफ साइड की तो ऑफ साइड पे, लेग तो लेग, स्ट्रेट तो स्ट्रेट, हुक मारना है तो हुक मारना है, हर गेंद को उसके मेरिट के ऊपर बेसिक्स को फॉलो करते हुए खेला। क्या शानदार ऑब्जर्वेशन निकाली उमेश टंडा जी आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अरविंद जी कह रहे हैं सुपर सेशन जुगमोहन जी, एवरीथिंग न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कैश फ्लो मास्टरी कम्स इन योर 5 AM सेशन, एंड थैंक यू फॉर योर रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेटिंग इन 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। आप ही की वजह से ना ये पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है कैश फ्लो की मास्टरी का सिलसिला, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है ना, आप भी लाइव होते हो मेरे साथ में सुबह 5 बजे, मैं भी पूरे जोशो खरोश के साथ में अगले सैटरडे की फिर तैयारी करूंगा आपके सहयोग से, आपके इंकरेजमेंट से, आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू सो मच, यू आर अमेजिंग पीपल, थैंक यू थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।